लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा, कोई भी आप YouTube पे वीडियो या YouTube पे ऐसी कोई भी बात सुनते हो, मतलब हम लोग तो बहुत छोटे से लोग हैं, मतलब बड़े बड़े लोग जैसे, मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं YouTube पे, मैं एक ही चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि ये लोग जब YouTube पे आके बताते हैं तो मोस्टली बात होती है कि उन्होंने क्या अचीव किया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट में बड़े सारे ऐसे मौके आते हैं जब वो बहुत लो फील करते हैं, जब वो अपनी एक्सपेक्टेशन को खुद ही फुलफिल नहीं कर पाते। वो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने टाइम टेबल बनाया और रात तक वो टाइम टेबल फुलफिल ही नहीं कर पाए, और रात को सोते हुए वो भी सोचते थे कि यार आज सो जाता हूं कल अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ये सब चीजें उन लोगों के साथ भी होती रही, उससे वो जूझते रहे, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश को जारी रखा उन्होंने, बड़ा लंबा पाथ था उनका, आज वो स्थिति में पहुंच पाए कि YouTube पे आए कुछ बोल पाए बेटा। लेकिन उस पर्दे के पीछे की कहानी को दिमाग में रखना, क्योंकि तो अगर हम पर्दे के आगे की कहानी देखते हैं कि आज वो बंदे ने क्या अचीव कर लिया, तो हमेशा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ये तो मेरे बस का ही नहीं है, इतना बड़ा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो नहीं सोचना बेटा, पर्दे के पीछे की कहानी याद रखनी कि आज जो बंदा ये बना ना, इसके पीछे भी वही चैलेंजेस, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, यू नो, वही चीजें, हैबिट्स, इश्यूज, जल्दी नहीं उठ पाना, जल्दी सो जाना, अपना एजेंडा फुलफिल नहीं कर पाना, ये सब थे। लेकिन ये बंदा जूझता रहा, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, बस ये दिमाग में रखना। दिस वुड बी माई लर्निंग आई वुड से। ओके,